द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आरके त्रिपाठी, सह संपादक द टाइम्स न्यूज़, निदेशक पत्रकार एक दर्शन। दोस्तों, आप सभी जानते हैं होली का पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अब ये कहा जाए तो केवल भारतवर्ष में नहीं, विश्व के कोने कोने में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हमारा यह होली का पर्व मनाया जाता है। सबसे पहले तो मैं अपने पूरे देशवासियों को, पत्रकार साथियों को, मैं इस होली पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही हम सभी जानते हैं कि होली पिछले साल कोरोना काल की वजह से फीका पड़ गया था। इस बार कोरोना का संक्रमण थोड़ा सा कम हुआ और हमें होली मनाने के लिए काफ़ी कुछ छूट मिला, तो हम ऐसा कतई ना करें कि इस छूट का नाजायज फायदा उठाएं। अपने घर में रहें, शांति से प्रेम के साथ होली का त्यौहार मनाएं, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहें, जिससे कि हम कोरोना जैसे संक्रमण बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। आपकी एक छोटी सी गलती बहुत बड़े नुकसान को दावत दे सकती है, इसलिए सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, इस बार होली 19 मार्च 2022 को है। मैं आशा करूंगा कि आप लोग अपने परिवार में, अपने घर में सुरक्षित स्वस्थ होंगे और उसी तरह से आप लोग अपने परिवार में, अपने घर में होली को शांतिपूर्ण तरीके से प्रेम के साथ इस होली पर्व को मनाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह होली का पर्व ऐसा पर्व है जिसमें हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी तरह के द्वेष भावनाओं को भूलकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर गले से गले मिलकर अपने उस प्रेम को मजबूत बनाया जाता है जो आज से नहीं, आज से चला आ रहा है। दोस्तों, इसी के साथ मैं चाहूंगा पुनः एक बार कि आप लोग प्रेम के साथ, प्रेम पूर्ण तरीके से, शांति से आप लोग होली का पर्व मनाएं, खुशियां बांटें और खुशियां बटोरें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, मिलता हूं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत। द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा।